सो फाइनली गाइस आज डंकी मूवी का बॉक्स ऑफिस पर यहाँ पर अपना थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन है आज मूवी डंकी का थिएटर्स में। शुरुआती दो दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस कल के और परसों के वीडियो में, बट आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ शुरुआती दो दिनों में मूवी ने कितना क्या कमाई किया। प्लस हम लोग आज की बात करेंगे कि आज के दिन की फाइनल एडवांस बुकिंग, टोटल एडवांस बुकिंग कितनी क्या हुई है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे आज के दिन ये मूवी हिंदी से कितना कमाते दिख रही है। हिंदी की बात करें इंडिया नेट सेम है क्योंकि मूवी को एक ही लैंग्वेज में रिलीज मिला है। हम लोग बात करेंगे कि इंडिया से इंडिया नेट कितनी क्या कलेक्शन आते दिख रही है। वहीं पर हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड ओवरसीज का एक अंदाजा लेके चलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि आज के दिन मूवी डंकी मूवी क्या कुछ कमाते दिख रही है दुनिया भर से, यानी कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आज के दिन कितना क्या करते दिख रही है। वहीं पर इंडिया नेट भी बात करेंगे और वहीं पर साथ में एडवांस बुकिंग भी बात करेंगे। तो आज के पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को अभी कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज करो चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है हमारा, कर दो ना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है डंकी मूवी के बारे में बात होगी डे थर्ड पर। हम लोग फिर बात करेंगे शुरुआती तीन दिनों में यहाँ पर क्या टोटल होने वाले सब बात करेंगे। तो बस वीडियो करते स्टार्ट। तो अगर हम लोग बात करें मूवी डंकी की, भैया आज के दिन डंकी मूवी डे थ्री पर, मैं आपको बता दूं डे वन पे जो कमाई आई थी मूवी का क्लैश नहीं था। डे वन पे मूवी ने दुनिया भर से 58 करोड़ कमाया। डे सेकंड पर यहाँ पर मूवी का फाइनली क्लैश होता है मूवी सलार के साथ और 46 करोड़ की समथिंग कुछ इसकी दूसरे दिन की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, ड्रॉप देखने को मिलता है क्लैश के कारण। लेकिन क्या है, तीसरा दिन है आज भैया शनिवार, लेकिन लोगों को अब ये समझ आ गया कि देखो भाई डंकी, क्योंकि डंकी को भी एक तरह से कुछ ना कुछ देखा जाए तो मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। लेकिन क्या है, अब लोगों को ये समझ आ रहा है फैमिली ऑडियंस को भाई कहीं ना कहीं डंकी मूवी जो है वो अच्छी मूवी। मैं आपको बताऊं तो मुझे भी जहां पर पहले दिन जब मैंने मूवी देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो मुझे भी मूवी लगी ओके भाई अच्छी मूवी है, मस्त है, मतलब जाया जा सकता है। बट अभी मुझे दूसरी बार जाने का खुद मन कर रहा है क्योंकि उसमें भैया राजकुमार हिरानी जी ने ऐसा जादू डाला ना कि एक बार मूवी देखने के बाद आप बोलोगे भाई दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, चार बार, पाँच बार, तो आप इतनी बार मूवी को देख सकते हो। और मेरा भी मन कर रहा है कि हाँ भाई मैं डंकी मूवी देखने जाऊँ, तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है और आई थिंक सो बाकी लोगों के साथ भी हो रही, तभी लोग इस मूवी को देखने जा रहे थिएटर में। वहीं पर बात करें तो आज के दिन हो सकता है हमें शायद से कल से ज़्यादा, कल से तो बेटर कलेक्शन देखने को मिलेगी, हो सकता है डे वन को शायद इंडिया नेट पे बीट कर दे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मूवी का डंकी मूवी का आज के दिन की। अगर हम लोग बात करें कितने करोड़ की यहाँ पर एडवांस बुकिंग हुई, तो आज के दिन लगभग 10 करोड़ की आज मूवी डंकी की एडवांस बुकिंग हुई है, जी हाँ 10 करोड़ मूवी ने यहाँ पर एडवांस बुकिंग से निकाल डाले। वहीं पर हम लोग बात करें कि आज के दिन यहाँ पर मूवी डंकी कितना क्या कमाते दिख रही है। मैं आपको बता दूँ कि आज के दिन यानी कि अपने तीसरे दिन पर, थर्ड डे पर डंकी मूवी यहाँ पर कितना कमाते दिख रही है, तो जो अर्ली एस्टीमेट्स हैं, जी हाँ जो अर्ली एस्टीमेट्स हैं, उनका ये कहना है कि आज कहीं ना कहीं डंकी मूवी, कहीं ना कहीं यहाँ पर डंकी मूवी हमें आराम से इंडिया नेट में, जी हाँ इंडिया नेट में लगभग 25-30 करोड़ कमाते दिख रही है। जी हाँ यहाँ पर रिपोर्ट्स का कहना है कि लगभग 25-30 करोड़ यहाँ पर डंकी मूवी आज कमाते दिख रही है। जो एकदम एग्जैक्ट फिगर है वो लगभग 28 करोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो एग्जैक्ट डे वन के कलेक्शन थे वो थे 29.2 करोड़। तो मे बी कुछ अगर रात में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी आई तो क्या पता 29.2 करोड़ जो उसका डे वन का इंडिया नेट टूट जाए, क्या पता। मतलब मैं एकदम 100% नहीं बोलूंगा, बट अगर कुछ मिरेकल हुआ तो रात में तोड़ा जा सकता है ये कलेक्शन डे वन के। वहीं पर बात करें तो आज के दिन जो बताया जा रहा है वो लगभग 27-28 करोड़ मूवी कमाते दिख रही है, अर्ली एस्टिमेट्स का ये है। लेकिन अगर रात में बहुत ज्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी हो जाती है सैटरडे के चलते, तो ये कलेक्शन कहीं ना कहीं 29-30 करोड़ भी पहुंच सकती है, इसके चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत। वहीं पे हम लोग बात करें कि ओवरसीज से कितना रहा, तो ओवरसीज की अभी फिलहाल तो कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अगर हम लोग मान के चले कि भाई अगर आराम से तुम 15 करोड़ भी लेके चलो, अगर तुम 15-20 करोड़ भी लोगे ना तो आप ऐड करोगे, तो आज कहीं ना कहीं मूवी 50 करोड़ तक की कलेक्शन करते नजर आ रही है। जी लगभग 50 करोड़ की कलेक्शन आज की हम लोग मान सकते हैं दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज के दिन मूवी कहीं ना कहीं 47-50 करोड़ करते दिख रही है। बाकी हम लोग बात करें कि शुरुआती तीन दिनों का इस मूवी का कितना कलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसी कलेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डंकी मूवी अपने शुरुआती तीन दिनों में आराम से इंडिया नेट 75 करोड़ यहाँ पर क्रॉस करते देखेगी। वहीं पे बात करें वर्ल्ड वाइड का तो 145 करोड़ के फिगर्स भी यहाँ पर हमें क्रॉस होते दिखेंगे। हाँ अगर रात में कुछ ज़्यादा ये अच्छी ऑक्यूपेंसी रही ओवरसीज से और वहीं पर इंडिया से, तो कहीं ना कहीं मूवी अपने शुरुआती तीन दिनों में 150 यानी कि 150 करोड़ जोरदार यहाँ पर पार करते दिखने वाली बॉक्स ऑफिस पे, अगर रात की ऑक्यूपेंसी कुछ ज़्यादा अच्छी रही। बट अभी के हिसाब से माने तो कहीं ना कहीं शुरुआती तीन दिनों में डंकी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नियर 145 करोड़ होने वाला है। जी हाँ, तो अब आपकी बारी, आप बताइए कि आपको कैसी लगी डंकी मूवी, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, सब कुछ बताइए कि डंकी मूवी आपको कैसी लगी, पूरा अपना अच्छे से ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में, रिव्यू दीजिए, रेटिंग दीजिए, सब बताइए। वहीं पे बात करें सलार की, तो सलार भी थिएटर में चल रही है, आप बताइए कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा सलार में, क्या कुछ अच्छा लगा डंकी में, आप कौन सी देखें, कौन सी देखने वाले, सब बताइए कमेंट सेक्शन में। टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो, क्या ज्यादा तुम्हारा कर दो ना सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।